अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज़, द प्लैटिनम सेल्स पार्टनर ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ब्लॉक एफ और ई का है, जबकि आप के सी और ब्लॉक जे का कुछ हिस्सा अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे। वीडियो का आगाज़ ब्लॉक जे के अंदर जो वाइट स्पॉट आपने एग्जेक्टिव ब्लॉक में देखा होगा, मंदवाल गाँव राइट साइड पर आपकी स्क्रीन पर, ये वो लोकेशन है। और उसके साथ आप देख सकते हैं प्लेन ग्रीन एरिया, यहाँ पर काश्तकारी अपने जोरों शोर से चल रही है, जो कि ये बात साबित कर रही है कि ये ज़मीन अभी तक एक्वायर्ड नहीं हो पाई। आए गूगल मैप पे चलते हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान रख के इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको समझाते हैं। ये बॉटम साइड पे ओवरसीज़ प्राइम की एंट्रेंस, ये आपका एग्जैक्टिव ब्लॉक का ब्रिज, एग्जैक्टिव ब्लॉक बी के साथ ये ग्रैंड पार्क, फिर आपका ओवरसीज़ सेंट्रल, इसके साथ ये मेन बुलेवार्ड, और ये आ गया ऊपर आपका मोटरवे इंटरचेंज। एग्जैक्टिव ब्लॉक वन की अगर आप लोकेशन का अंदाज़ा लगाएं तो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशन बन रही है मास्टर प्लान की लोकेशन के हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली ज़मीन अभी तक एक्वायर्ड करने में नाकाम रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से हो सकता है एग्जैक्टिव ब्लॉक को रिलोकेट कर दिया जाए या फिर इनका इंतज़ार और लंबा हो जाए इसी ज़मीन को एक्वायर करने के सिलसिले में। ये वो मंदवाल गाँव है जहाँ ब्लॉक जे के साथ आपने अभी वीडियो देखी थी बिल्कुल शुरू में, उसके साथ ब्लॉक एफ और ये ब्लॉक ई। मंदवाल गांव के साथ ब्लॉक जे है जहाँ पे काश्तकारी चल रही है, इसका मतलब है ये एरिया तो उन्होंने एक्वायर्ड नहीं किया। जबकि गूगल अर्थ के ऊपर आप देखें तो ये जो गांव आप जहाँ पे कर्सर है मेरा, एक ये गांव और उसके साथ ये गांव, फाइनेंशियल स्क्वायर और एग्जेक्टिव ब्लॉक के बीच में क्लीन पार्क है जिसके अंदर ये छोटे दो गाँव आ रहे हैं और उसके साथ ये मंदवाल गाँव जो कि एग्जेक्टिव ब्लॉक जे के अंदर आ रहे हैं। ड्रोन की हमारी लोकेशन जो है इन दो छोटे गाँव और मंदवाल के करीब है, जिससे आपको रिमेनिंग फुटेज समझने में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ब्लॉक एफ और ब्लॉक ई के साथ ग्रैंड पार्क, जहाँ तक हमारे ड्रोन की फ़्लाइट है, ताकि आपको लोकेशन का एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि इस टाइम हमारा ड्रोन कौन से सेक्टर में उड़ रहा है। ये फाइनेंशियल स्क्वायर के साथ बीच में लीनियर पार्क और कुछ हिस्सा फाइनेंशियल स्क्वायर के अंदर ये छोटा गाँव जो दो आ रहे हैं, वो ब्लॉक एफ के अंदर तो कोई भी गांव नहीं है, लेकिन ये वो ज़मीन भी अभी तक एक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह ब्लॉक ई में भी कोई गांव नहीं है और वहां पे भी कोई डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से लैंड ऑक्यूपेशन में भी अभी तक वहां पे भी मुकम्मल नहीं हुई। ये वो दो छोटे गाँव जो कि सेक्टर एफ और फाइनेंशियल स्क्वायर के बीच में लीनियर पार्क है उसके अंदर आ रहे हैं, और इस गाँव का बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो है सेक्टर एफ के कमर्शल्स के ऊपर आ रहा है। ये राइट साइड पे जो पहला छोटा गांव आप नीचे देख रहे हैं ये फाइनेंशियल स्क्वायर के अंदर आ रहा है, उसके साथ राइट साइड पे जो दूसरा गांव है इसमें कुछ हिस्सा लीनियर पार्क के ऊपर आ रहा है और कुछ एग्जेक्टिव ब्लॉक ई पे आ रहा है। इस टाइम आप अपने राइट साइड पे ब्लॉक एफ देख सकते हैं जहाँ पे काश्तकारी चल रही है, दरख्त उसी तरह ही हैं, जो कि ये बात जाहिर कर रहे हैं कि शायद लैंड एक्वायर्ड अभी तक मुकम्मल नहीं हुई या फिर एक्वायर हो ही नहीं पाई। इसी तरह बीच में ये सरकारी सड़क जो कि कुछ फाइनेंशियल स्क्वायर के अंदर है और कुछ एग्जेक्टिव ब्लॉक में, और उसके साथ सेक्टर ई। सेक्टर ई की लैंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अनइवन है, ओवरसीज़ सेंट्रल से ज़्यादा अनइवन तो नहीं, लेकिन काफ़ी प्लेन लैंड है ओवरसीज़ के मुकाबले में। इसलिए ये बात, ये नैरेटिव देना कि यहाँ की लैंड कटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई बात समझ नहीं आती। यहाँ डेवलपमेंट का काम ना होना सिर्फ एक बात ही जाहिर करता है कि यहाँ पर ज़मीन अभी तक एक्वायर्ड मुकम्मल नहीं है या तो है ही नहीं। मास्टर प्लान पे अगर आप देखें तो सेक्टर ई वैसे ही बहुत ज़्यादा प्राइम है, क्योंकि राइट साइड पर ग्रैंड पार्क और इसके फ्रंट पर फाइनेंशियल स्क्वायर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़मीन एक्वायरेशन का प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा डिले है, तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के लिए कब रिलीफ आता है ये तो सोसाइटी ही ज़्यादा क्लियर बता सकती है। लोकेशन देखें, ये ग्रैंड पार्क की आप अगर पिक्चर ऑब्जर्व करें तो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन बन रही है एग्जेक्टिव ब्लॉक ई की, प्लस लैंड भी ज़्यादा फिलिंग वाली नहीं है, लेकिन ज़मीन क्या सोसाइटी एक्वायर कर पाएगी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि सोसाइटी का कोई ऑफिशियल ही इसका जवाब दे सकता है। आप जस्ट इमेजिन करें कि ये पानी है अभी गंदला, कल जब ये साफ़ होगा यहाँ पे फाउंटेन चलेंगी
एक पिकनिक स्पॉट होगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, तो एक ब्यूटी अनमैचेबल है, अनइमेजिनेबल है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के लिए या बाकी जो टूरिस्ट होंगे, बाकी रेजिडेंट्स होंगे उनके लिए। नो डाउट एक अच्छी लोकेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली ज़मीन को ख़रीदने का प्रोसेस जो है स्लो है, टाइम टेकिंग है, नेगोशिएबल है, जिसका सबसे ज़्यादा असर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के इन्वेस्टर्स पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। इधर ज़रा से भी अगर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में मशीनरी लग जाती है तो आज उनकी फाइल्स एंड प्लॉट्स लॉस पे ना होते, और लॉस के ऊपर भी ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजेबल स्टेप है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।